हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर शंकर कैरियर वेव एंड दिस इज इंटरव्यू विद दिव्यांश जोशी. ही इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट फ्रॉम आवर कैरियर वेव प्लेटफॉर्म. ही स्कोर्ड वेरी वेल, नाउ ही इज सेलेक्टेड एंड लेट अस मीट हिम विदाउट मेकिंग एनी डिले. सो हेलो दिव्यांश, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बढ़िया आपको. तो कैसे हैं आप आज? थोड़ा सा डिले हो गया पूछने में हमको भी. सर बढ़िया हैं, खुश हैं, खुश हैं. अच्छा, और परसों रिजल्ट आया था तो मतलब उसी दिन आपने देखा था कि एक आध दिन डिले करके तब आपने देखा? नहीं सर, उसी दिन देख लिया. अच्छा, तो अभी घर पे ही रहते हैं कि मतलब बाहर कहीं इस समय हैं, पोस्टेड हैं? सर कहीं बाहर हैं अभी, घर में नहीं. अच्छा, घर पे नहीं है. तो रिजल्ट आने के बाद में घर पे इन्फॉर्म किए होंगे आप? हाँ सर, हाँ सर. क्या रिएक्शन रहा घर से? सर खुश है, सब खुश है, सब बहुत. अच्छा अच्छा अच्छा, अपने घर में अपना सबसे छोटे हैं या सबसे बड़े हैं? सर सबसे छोटा, सबसे छोटा. अच्छा सर. अच्छा, अपने पास में ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने घर के सबसे छोटे वाले ही हैं, लाडले वाले. खैर, तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिएगा. फॉर एग्जांपल, आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड, ऑल दैट. मैं दिव्यांश जोशी. सर मैं उत्तराखंड की नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता हूँ. मैंने बीएससी वहीं की थी, जिसके बाद एमएससी भी डीएसबी कैंपस से निकाल सकते हैं. अभी करेंटली मैं दिल्ली से पीएचडी कंप्लीट कर रहा हूँ. दिल्ली में पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं इस समय? सीएसआर की लेबोरेटरी रिसर्च कर रही हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा, कौन सा शिफ्ट अपना था, मतलब किस शिफ्ट से अपना एग्जाम? सर पहला शिफ्ट था, शिफ्ट वन. अच्छा, शिफ्ट वन ही रहा. कितने लगभग स्कोर बन गए थे अपने? सर 2 मार्क्स 93 नॉर्मलाइजेशन के बाद 194 हो गए थे. अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त है. एकदम मार्क्स भी बहुत बेहतरीन रहा है. और फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, थोड़ा सा लेट हो गया. तो बहुत बहुत बधाइयाँ. अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि जैसे अपने बड़े भाई बहन या फिर अपने घर वाले, क्या रिएक्शन अभी, मतलब क्या रिएक्शन उनका रहा? आप मिलने भी नहीं गए अभी, तो क्या बुलाए बुलाए नहीं तुरंत कि बेटा तुरंत घर पहले आओ, घर पे मिलते हैं? सिर्फ बुला रहे हैं अभी, एक दो दिन. अच्छा, एक दो दिन बाद जाएंगे. तो वैसे तो आपकी ज्वाइनिंग मान के चलेगा कि अगस्त मिड के आसपास पे होगी, या अगस्त हो सकता है शुरुआत में हो जाए, या थोड़ा जल्दी हुआ तो हो सकता है जुलाई लास्ट तक हो. तो अपने पास अभी 1-2 महीने का टाइम है, तो इसमें क्या प्लान कर रहे हैं अभी, कहाँ जाने वाने का? ज्वाइनिंग सारी बैचेस की एक साथ होगी या अलग-अलग पेमेंट होगी? नहीं, जैसे कई एकेडमिक्स हैं तो जितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उसमें क्या होता है कि कुछ बंचेस में बारी बारी से बुलाते हैं. मतलब ये रहता है कि मान के चलिएगा 15 दिन का पीरियड पूरा रहता है, उसी में कोई ना कोई सेंटर लगभग अलॉट ही हो जाता है. एक आध बार डिले देखने को मिला है अलग अलग सेक्शन में, लेकिन वैसे मोस्टली 15-20 दिन के बीच में सबको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है. और दूसरा ये रहता था पहले कि एक ही सिंगल शिफ्ट में होती थी ट्रेनिंग, तब तो थोड़ी दिक्कत थी. अभी तो दो दो शिफ्ट में ट्रेनिंग होती है तो उतना ज़्यादा हेडेक नहीं रहता, बहुत आराम से सबको एक साथ ही वो अडॉप्ट कर लेते हैं. तो तब तक ही आपके पास टाइम है, तो अभी कुछ प्लान वन बनाया है पार्टी वार्टी का, या घर वर पे मम्मी वम्मी को घुमाने का कहीं, थोड़ा सा एक टूर वूर हो जाए इस टाइप? और एक ओजीटी के बारे में भी पूछना था. बिल्कुल, देखिए होता क्या था कि ओजीटी का कॉन्सेप्ट यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसका कॉन्सेप्ट आया था 2 बैच पहले से. रीज़न ये था कि एआई को रिक्रूटमेंट ज़्यादा करने थे टीसी के, और पुराने वाले लोगों के ट्रेनिंग पूरे नहीं हुए थे. तो ऐसे में क्या हुआ कि कुछ रैपिड एक्शन लेने की ज़रूरत थी कि किसी भी तरीके से जो बच्चे अब आ रहे हैं मतलब क्वालिफाई करके, उनको भी रिक्रूट करना है, उनको अकोमोडेट करना है ताकि उनका भी प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो पाए और उनको कहीं ना कहीं अलॉट किया जाए कोई पोस्ट भी. और उस समय पूरा भरा हुआ था ट्रेनिंग सेंटर, एक ही शिफ्ट में होता था, नंबर ऑफ सीट्स भी थोड़े कम थे, हमको लगता 320 उसके आसपास उस समय थे. तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि सभी बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए क्या हुआ था कि कुछ लोगों को ऑन जॉब ओजीटी दे दे रहे थे. इवन वैसे होता क्या है कि पहले थोड़ा सिमुलेटर वगैरह प्रैक्टिस जब हो जाता था उसके बाद ओजीटी दे देते थे, लेकिन उस टाइम पे हुआ था कि जिसको जो मिल गया ऑन जॉब ट्रेनिंग पे, ज़्यादातर बच्चे जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग में रहे हैं. उस बार हमको लगता है ये बात है आपकी लास्ट ईयर जो फेब में एग्ज़ाम हुआ था उसकी कहानी है, उसमें भी 1-2 बच्चे गए थे. उसके पहले वाला जो जुलाई वाला बैच था, जुलाई वाले में भी जैसे नीरज वगैरह लोग अपने ही बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं इसी प्लेटफॉर्म के, तो वो लोग भी ओजीटी ही पाए थे.
तो इस वजह से था। अभी तो फिलहाल में दो शिफ्ट है, तो ये मान के चलिएगा कि आपको एकेडमिक्स मिलना चाहिए, और जहाँ तक उम्मीद है कि नॉर्थ इंडिया वालों को इलाहाबाद आराम से मिल जाता है, तो हो सकता है इलाहाबाद मिले। और यहाँ का इन्वायरमेंट वगैरह बड़ा बढ़िया है, अपने जैसा लगता है ना, अपना ही एरिया है, अपना सब कुछ है, तो बहुत बढ़िया रहेगा और मस्त रहेगा। उसके बाद जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी, फिर ढेर सारे पैसे आएंगे, ढेर सारा सम्मान मिलेगा, और खुशनुमा ज़िंदगी एक रहती है बेहतरीन वाली। तो एक तरह समझिए कि आपकी स्ट्रगल लाइफ ख़त्म हो गई। थोड़ा सा अपना स्ट्रगल पीरियड का कुछ बैकग्राउंड देंगे, जैसे मतलब इसके पहले कोई प्रिपरेशन क्या क्या करी, अभी जैसे आप बताए पीएचडी कर रहे हैं, तो उसके पहले क्या क्या था? सर पीएचडी के साथ साथ मैं एचएससी पीजीएल की प्रिपरेशन की थी, प्लस के वाला था। उसमें टीयर वन क्वालिफाई हो गया था, टीयर टू भी कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स थे, लेकिन कंप्यूटर में नहीं पाया था, तो वहाँ रह गया था। कंप्यूटर का भी टेस्ट मांग रहे थे ना लास्ट ईयर। कोई नहीं, अभी तो फिलहाल उससे कई गुना बेहतर जॉब मिल गई है, बेहतरीन एटमॉस्फियर, बेहतरीन अथॉरिटी। आप तो गए होंगे डीबी में, तो आइडिया भी लगा होगा कि कैसे लोग हैं। बहुत सपोर्टिव इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, एकदम फैमिली जैसा फील होता है, इंक्लूसिव। 99% बच्चे जो जाते हैं वहाँ पर, वो छोड़ते उड़ते नहीं हैं, वो फिर वहीं पर अकोमोडेट कर ही लेते हैं। अच्छा, एबव ऑल एक छोटी सी चीज़ हमको और जाननी थी, जैसे करियर वेव के बारे में, खास करके आप करियर वेव के स्कोर बैच के स्टूडेंट रहे हैं, तो कैसे मतलब आपको करियर वे मिला था, किसी ने रेफर किया था, या मतलब स्वयं से ही ढूंढे थे आप? सर मैं तो लास्ट सर मैं तो अक्टूबर लास्ट एंड में अक्टूबर एंड आया में था, आया मेन डिवीजन ही अच्छा हुआ था। डिवीजन ही हुआ था। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस जैसे अपने करियर वे के साथ में रहा, इन कोर्सेज एंड क्लासेस, बूस्टर सेशंस, असाइनमेंट वगैरह, सब कुछ टेक के बारे में पार्टी थोड़ा था सा मेनली, एक्सपीरियंस? लेकिन 40 डेज में फोर्टी आपने डेज में पूरा आपने कंप्लीट करा पूरा दिया था, कंप्लीट करा तो दिया था, वो सबसे तो बेस्ट पार्ट था सबसे कि बेस्ट पूरा पार्ट सिलेबस था, पूरा कंप्लीट सिलेबस करने था। का। और हम लोगों ने थोड़ा लास्ट में प्रैक्टिस 15 रिवीजन डिवीजन और भी इलेवेंथ का हो भी गया, पार्ट, डिवीजन भी हो गया। हाँ इलेवेंथ के पार्ट पे थोड़ा सा जोर देके हमने लास्ट में वो भी कंप्लीट करवा दिया था, सो दैट। वैसे मोस्टली अपने बच्चे ज़्यादातर सेलेक्ट होने के पीछे रीज़न ये भी रहा कि हम लोग बड़े टाइम से हर चीज़ कंप्लीट करा के वो रिवीजन करवा रहे थे, और कोशिश ये कर रहे थे कि सभी लोग इंक्लूडेड रहें, अगर कोई किसी ने कुछ बोला भी उसमें कि हाँ सर ये भी कराना है, तो भी करा दिया गया। फिर भी आपका जैसे पर्सपेक्टिव क्या रहा, जैसे मैथ फिजिक्स तो हम हमी से आप पढ़े होंगे, और मैथमेटिक्स सूरज सर थे, तो अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि अभी जैसे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं अभी भी, जैसे कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छे नंबर लाए लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाए, और तो उनको थोड़ा सा एक होप मिलती है ना कि हाँ हम सही जगह हैं, या सही से चल रहा है सब कुछ, तो इसके बारे में आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस? सर सर मैथमेटिक्स में तो मैथमेटिक्स आउट ऑफ में तो आउट ऑफ 30 25 30 और ट्वेंटी क्वेश्चंस फाइव तो क्वेश्चंस दूसरे तो सेशन से ही दूसरे सेशन रिपीटेड से थे, रिपीट तो थे। अरे वाह, वो तो मॉक ज़बरदस्त, टेस्ट जैसा ही मॉक फील हो टेस्ट रहा जैसा था ही फील वहाँ। हो रहा था वहाँ। और और फिजिक्स भी फिजिक्स लगभग भी लगभग लगभग फिजिक्स में भी 20+ तो ट्वेंटी प्लस तो रिपीटेड रिपीटेड थे। तो मोस्टली यही कोशिश रही है हम लोग की भी। लेकिन फिर भी जैसे अपना एक तो ये वाला हो गया, दूसरा ये था कि जैसे आपका स्ट्रेटजी क्या रहा, जैसे होता है ना कि बैच तो कोई भी मतलब ले ही लेता है आगे पीछे करके, लेकिन बैच में हर चीज़ को फॉलो करने का एक तरीका भी होना चाहिए ना, जैसे असाइनमेंट भी रहती है, बुक रहता है, क्लासेस रहती हैं, फिर हम लोग बूस्टर सेशंस के पीडीएफ वगैरह भी देते हैं, फिर कई सारे कैप्सूल रिवीजन वाले रहते हैं, तो मतलब किस तरीके से आप उसको अकोमोडेट कर रहे थे, मतलब किस तरीके से उसको कवर कर रहे थे, अपना एक इंट्यूशन क्या कहता है कि सर आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी थी सर उसमें? एक तो सर कॉन्सेप्ट एक तो क्लास होती कॉन्सेप्ट थी क्लास और एक होती थी डिस्कशन और एक क्लास, डिस्कशन क्लास, तो कॉन्सेप्ट हाँ क्लास कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लास थोड़ा स्पीड में स्किप कर लिया, स्किप कर लिया 1.5 1.5 लेग्स 2 लेग्स लेग्स तो टू कवर एक्स कर लिया, तो क्योंकि कवर कर उसके लिया, बाद क्योंकि उसके डिस्कशन बाद में डिस्कशन क्वेश्चन में क्रैक कर क्वेश्चन लिया। क्रैक और सैटरडे और संडे सैटरडे छुट्टी होती संडे थी छुट्टी हमारी, होती तो तो टेस्ट सीरीज लगा टेस्ट लेते सीरीज थे। लगा लेते थे, टेस्ट सीरीज और असाइनमेंट वगैरह करते थे आप? असाइनमेंट भी हम लोग हर चैप्टर का जैसे असाइनमेंट रहता तो था, असाइनमेंट तो स्कूलर में नहीं स्कोर में थी, नहीं था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, असाइनमेंट था, सब्मिट करने का ऑप्शन स्कोर में नहीं था, लेकिन हाँ सब्जेक्ट सबमिट में आप करना जाएंगे था। सबमिट नहीं कर सकते थे, लेकिन करना था उसको, आप स्किप कर दिए। खैर अंत सर बड़ा इतना सबका टाइम नहीं सिलेक्शन होता, तो टाइम वही नहीं है। होता। हाँ सर सुबह समय सेवन कम है, थर्टी टू सेवन सेवन थर्टी थर्टी सेवन तो थर्टी लगभग तो 12 आवर्स तो मिल ट्वेल्व जब आवर्स तो जाते मिल थे, जाते थे, उसके बाद ही उसके मैनेज बाद करना ही होता मैनेज था। करना होता था। नहीं अपने पास में जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जो जॉब वाले रहे, तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है जॉब पीरियड से आना और सब कुछ मैनेज करना। फिलहाल में सबसे प्राइम फोकस हमारा ये रहता था कि किसी भी तरीके से उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए, और एनसीईआरटी की जो समरी रहती है उस पर बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवीजन करा दिए जाए, यही मेन सोल टारगेट था। मतलब बूस्टर सेशन में भी आपने देखा होगा रिवीजन प्रैक्टिस, या क्लासेस में भी यही मेन टारगेट रहता था कि इन द एंड आपको प्रैक्टिस करनी है, और समय आप सोचिए कितना था, 2 महीने, हार्डली 2 ढाई महीने, 2.5 महीने थे, तो उसमें ये टारगेट लेके चला गया था, और इन द एंड बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट भी रहा। खैर अपना कुछ बताइए, अपने तरफ से क्या एड ऑन करना चाहेंगे विद द स्टूडेंट्स, या फिर जो भी आपको देख रहे होंगे, आपके फैमिली फ्रेंड्स भी जो लोग देखेंगे इस वीडियो को, तो क्या मैसेज रहेगा अपनी तरफ से? अच्छा बिल्कुल फैमिली बिल्कुल जैसा फील फैमिली होता जैसा है फील होता है आपके आपके साथ। साथ, आपका जब और दिन में आपका जब फोन दिन आया में और फोन आपने आया कहा और आपका कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो अलग ही तो खुशी अलग ही हुई। खुशी हुई।
हमने मोस्टली बारी बारी सबको कॉल किया, थोड़ा सा आपके आपको कॉल करने में थोड़ा डिले हो गया। रीज़न ये था कि बच्चे कई सारे हैं तो जितना भी हो सकता है करते हैं, क्लासेस भी हैं अपनी, बाहर भी क्लासेस रहती हैं, थोड़ा सा डिले हुआ उसके लिए सॉरी। ये 2 दिन बीत जाने के बाद मैं कॉल कर पाया आपको। अभी भी 2-3 कॉल पेंडिंग में हैं, उनको भी सोच रहे थे कि एक बार बात ज़रूर कर लें, अच्छा रहता है ना, वही बच्चा अपने पास में है तो एक बार वेट तो करता ही है कि आ जाए एक बार कॉल बात बात कर लें। और फिलहाल हमें सबसे बढ़िया लगता है, जैसे उस टाइम पे भले ही आप लोग हमसे मोटिवेट होते हो, लेकिन एग्ज़ाम हो जाने के बाद में अपनी जो मोटिवेशन आती है इन्हीं लोगों से आती है, अपने ही बच्चों से आती है। भाई अब आपको मैं देख रहा हूँ स्माइल कर रहे हैं या सेलेक्ट हो गए, तो अपने अंदर जो सुकून आता है ना कि हाँ वी डिड वर्क वुड वेरी गुड, और जो अपने साथ में थे उन्होंने जो हार्डशिप अपनी करी वो भी अच्छा पे ऑफ किया। और फिर दूसरी बार आप पोस्ट होके जाएंगे वहाँ पे, तो कम्युनिकेट वहाँ पे भी आपका हमारा बना रहेगा, और वहाँ से भी मोस्टली जितने भी अपडेट्स वगैरह रहते हैं अपने बच्चे तो देते हैं, नहीं तो हम कहाँ वहाँ डिपार्टमेंट में बैठे हैं, तो काम भर की अपडेट्स अपने बच्चों से ही मिल जाती है, आप ही होंगे जो थोड़े बहुत अपडेट्स देंगे। अच्छा दिव्यांश से कह रहे थे कि क्या एक संभावना बनती है कि किसी तरीके से लखनऊ या यूपी में आपका आना हो कभी इधर रिसेंटली में? सर अगर पॉसिबल होगा तो ट्राई करेंगे, ट्राई जरूर करेंगे, आएंगे, जरूर आएंगे। हमारी भी कोशिश यही है। अच्छा एक चीज़ और है कि हम लोग एक छोटा सा वेलकम गिफ्ट बनाए हैं अपने प्लेटफॉर्म के बच्चों को दे रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे जो यूट्यूबर भी यूट्यूब से भी फॉलो किए या जो वैसे भी बच्चे हैं उनको भी मतलब दे रहे थे, तो जो जैसे विजिट कर रहे हैं उनको तो मान लीजिए हम लोग इन द हैंड डिलीवर कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए आप नहीं विजिट कर पा रहे हैं, इन केस जैसे मैं चाहूँगा कि आप एक एड्रेस अपना भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो हम उसी पे कुरियर कर देंगे। कुछ खास नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन अच्छा लगता है देने, आपको भी मिलेगा तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग थोड़ी सी अच्छी लगेगी। तो एड्रेस अपना शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक दिव्यांश थोड़ा सा आप कम बोलते हैं है ना? अभी बोलने का टाइम है, अब जैसे अब होता है ना कि एक बार क्वालिफाई कर जाने के बाद में अब सब सुनेंगे, जैसे एक टाइम रहता है कि लोग नहीं सुनते, फैमिली फ्रेंड सर्कल हर जगह एक लिमिटेड लोग सुनते हैं, लेकिन जब आप प्रूव कर चुके हैं, यू हैव प्रूवन योर सेल्फ, अब तो जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, लाइफ अच्छी करनी है, लोगों के हेल्प करने हैं, फैमिली का भी ध्यान रखना है, दोस्तों का भी ध्यान रखना है, कुछ एकाध हो सकता है आपको और भी लोग मिलेंगे जो हार्डशिप में होंगे, उनको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट ही करना है, तो अभी सभी सुनेंगे और बहुत बढ़िया उसका आपको फील भी आएगा। थोड़ा सा बोलिए बोलिएगा, अब मतलब आप क्वालिफाइड हैं। हाँ अच्छा अपने फ्रेंड सर्कल से किसी का फ़ोन आया था जैसे दोस्तों में? सर, दो तीन अच्छा लोगों दो का तीन है। लोगों का है। अच्छा तो क्या रहा, जैसे एक होता है ना कि सिलेक्शन के बाद बदलाव थोड़ा सा आ जाता है लोगों के बिहेवियर में भी, अपने में भी अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें? सर एक अलग ही सेटिस्फेक्शन टाइप का मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन टाइप सारी टेंशन दूर सारी हो गई। टेंशन दूर हो गई। हाँ ये तो है। तो अभी जैसे आपका पीएचडी का कौन सा ईयर है ये? सर सेकंड ईयर, सर सेकंड सेकंड ईयर। ईयर। तो क्या मतलब एक्सटेंशन लेने का विचार है मतलब ट्रेनिंग में, या फिर ड्रॉप करने वाले होंगे? अभी तो डिसाइड नहीं किया, डिसाइड नहीं अभी किया सोच अभी। रहे हैं, सोच रहे हैं। एक बार ट्राई करिएगा जैसे भी हो गए, अगर मतलब साइडवेज में कंप्लीट कर पाएँ, जैसे एजुकेशनल एक्सटेंशन वगैरह की अगर कोशिश कर पाएँ तो बढ़िया रहेगा। पीएचडी भी अपने आप में अच्छा है, शुरू करा ही है तो 1-2 साल की बात है, वो भी एक बढ़िया रहेगा। तो एमएस फिजिक्स से ही है ना आपकी? अच्छा क्या है उसमें पॉइंट आपका मतलब थेसिस पॉइंट? कंडेंस मैटर कंडेंस फिजिक्स का मैटर है, फिजिक्स सिंगल का? अच्छा, कंडेंस मैटर फिजिक्स का। क्रिस्टल मतलब पढ़ाई में आपकी रुचि है, पीएचडी स्कॉलर मतलब हो जाता है कि तगड़ा इंटरेस्ट सब्जेक्ट में। खैर तो दिव्यांश बड़ा अच्छा लगा आप मिले भी और इतना टाइम दिए अपने साथ में एक शूट करने के लिए भी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और बस 1 मिनट और रुकिएगा, सूरज सर आए हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा आप सूरज सर से भी विजिट कर लें। हेलो सर कैसे हैं? अपने साथ में दिव्यांश हैं, अगर आप कॉल कर पा रहे हो क्लास में स्कोर बैच से तो एक बार आ जाइए थोड़ा सा। हाँ ठीक है। सो हेलो हेलो, कैसे हैं हेलो, दिव्यांश? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। आवाज़ नहीं आ रही। एक सेकंड मैं इसको स्पीकर मोड में कर दे रहा हूँ। हाँ दिव्यांश अभी आवाज़ आएगी। कैसे लग रहा है दिव्यांश जी आपको? सर बहुत अच्छा सर बहुत अच्छा, सिलेक्टेड हैं सर, आप। आपका बहुत सर बड़ा आपका हाथी बहुत बड़ा हाथी क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन है। अरे वाह, चलिए सर, मैथ्स में 29 29 आउट ऑफ 30। अरे बस हो रहा वाह, है ट्वेंटी क्या नाइन तक आए। बात है, एक कहाँ रह गया फिर? सर यही गलत हो गया गलत था। हो गया था। वैसे मैं बोल
सीखता भी हूँ लाइफ में कि कैसे मुश्किल होगी टारगेट बना के रखना है। बता रहे थे कि जो पेपर जब दिया जा रहा था तो उस टाइम पे सारे के सारे अपने ही उससे पूछो सेशन वगैरह से फंसे, तो मतलब बता रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम में मैसेज करते हैं ना, तो उससे आइडिया लग जाता है पेपर कैसा आया था कैसे नहीं। चलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप कुछ हम लोग की मेहनत से आप सिलेक्टेड हैं, और बाकी तो आपकी मेहनत है ही है, सामने वाले की रहती है कि हम तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं सभी को, मेन होता है कि अनुसरण कौन कर रहा है, फॉलो कौन कर रहा है, ये रहता है। आपका बढ़ता भी ओपन कैटेगरी ही तो है आपके, आपकी दिव्यांश सर वैसे EWS था लेकिन ओपन कैटेगरी में वो होगा क्वालिफिकेशन में। अच्छा अच्छा 104.143। और जब भी समय मिले मौका मिले तो जरूर विजिट करिएगा। और हाँ एक अपना एड्रेस जो हमने बताया आपसे उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एंड दैट वाज ऑल, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। बस अपना पर्सनैलिटी मेंटेन करके रखिएगा, ऐसे ही रहिएगा, मिलनसार रहिएगा, सबका ख्याल रखिएगा। जॉइनिंग से पहले एक बार जरूर आएंगे मिलने। हाँ जॉइनिंग से पहले लखनऊ जरूर आएंगे एक बार। अरे बिल्कुल, दैट वुड बी ग्रेट। तो और हाँ एक चीज़ और रह गई, मिठाई अगर इज पॉसिबल थोड़ी सी भिजवा दीजिएगा। रीज़न ये है हमारे यहाँ सभी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं जब कोई भी कैंडिडेट अपना कुछ भी दो चार पीस भी मिठाई अगर ऑर्डर करता है जोमेटो या स्विगी से। सर मिठाई मैंने कल भिजवाई थी, आपको रिसीव नहीं हुई क्या? अच्छा हाँ हाँ है, सॉरी 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 फॉर दैट चीज़ दिव्यांश, एक्स्ट्रा हो जाएगी है आइए आइए, मैं स्किप कर गया दिमाग से, लिस्टिंग में वहाँ पे सामने पड़ा है। खैर तो थैंक यू फॉर द सेशन, ज्वाइनिंग दिस सेशन, और हम कामना करते हैं कि आप और तरक्की करें, बहुत बढ़िया आगे बढ़ें, जिंदगी अब तो आसान होनी ही है। अब और बाकी मिलन साथ दीजिएगा थोड़ा। बिल्कुल साथ रहिएगा, बस जुड़े रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है दिव्यांश, बाय बाय, टेक केयर, और कभी हेल्प लगे हम लोगों की जरूर मिलिए, जरूर कांटेक्ट करिए, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ पर आइए, जैसा भी आपको जैसी नीड लगे, हमें कभी लगे कि हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी वहाँ भी इसे पोस्ट होइएगा किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पे, जस्ट इन केस अगर कोई इशू होती है तो अपने बच्चे हर जगह रहते हैं, आप जाएंगे तो ऐसे ही कुछ लोग मिल जाएंगे अपने टीम के, मिलेगी काफी वहाँ पर आप जब बताएंगे, तो थोड़ा सा सपोर्टिव इन्वायरमेंट अपने करियर वे पे वैसे थोड़ा सा हो सकता है, हेल्प आपको जरूर मिले। ओके थैंक यू दिव्यांश, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। सो गाइज दिस वॉज दिव्यांश, और हम लोगों ने उनके साथ सेशन किया, आई होप कि आप लोग को बहुत बेहतरीन लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस सेशन में, एंड वी होप कि आप भी करियर वेब से जुड़ेंगे और साथ में हमारे मिलकर के काम करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पीपल हु आर अराउंड यू, योर फैमिली। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, बाय।